हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ हिंदी के चैप्टर टू को कवर करने वाले हैं, वो भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों साथ में कवर करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल के साथ। तो इससे पहले हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस का वीडियो क्रिएट कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के जो है देख सकते हैं उस का वीडियो। और आपको बता दें कि अगर इस चैनल के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आप बीबीपी हेल्प में जुड़ जाना, टेलीग्राम चैनल है ये, आप उसमें जाकर के जुड़ जाना, वहां पर आपको सारा अपडेट टाइम टाइम पर दिया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग सबसे पहले देखिए, ऑब्जेक्टिव तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और हम लोग पहले सब्जेक्टिव को देख लेते हैं कि आपका किताब में किस तरीके से क्या क्या दिया हुआ रहता है, उसको पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपका देखिए, सबसे पहले मैं लेकर आ जाऊँगा, चलिए। तो देखिए, जितने सारे ऑब्जेक्टिव है सारे को लेकर आ रहा हूँ, और यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में हम लोग क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं। तो अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, और आज के बाद जो है आप अच्छी तरीके से बस रिविज़न करके एग्ज़ाम देने के लिए चले जाना है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये क्या लिखा है, तो उसने कहा था लिखा है। देखिए, ये कहानी में काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, काफ़ी मज़ेदार कहानी है, आपको मैं कहानी के बारे में अभी सुनाऊंगा, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में जानने के बाद कहानी में क्या कहना चाहता है, उसने कहा था मैं वो उसको हम सुनाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस क्या लिखा था, उसने कहा था। तो इसका जन्म के बारे में देख लेते हैं, जन्म जो हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था, और इसका निधन कब हुआ था, तो 12 सितंबर 1922 को हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है कि जन्म स्थान कहाँ है, तो जयपुर राजस्थान में, ठीक है, लेकिन ये मामा के यहाँ रहते थे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मूल निवास स्थान कहाँ था, देखिए मूल निवास जो था कहाँ था, देखिए गुलेरी जी का जो है गुलेर नामक ग्राम जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में जो है यह मूल निवास थे, किसका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। अब देखते हैं इसका पिता का नाम क्या था, इसका पिता का नाम पंडित शिवराम था। उसके बाद इसका शिक्षा कहाँ हुआ था, देख लीजिए, बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रम से इंट्रांस तथा मैट्रिक, और 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से जो है किया था, क्या मैट्रिक, और जो है मैट्रिक कहाँ से किया था, सॉरी इंटरमीडिएट का परीक्षा कहाँ से दिया था, देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वो क्या क्या था, बीए किया था, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा हो, देख रहे हैं आप लोग अच्छे तरीके से, और नोट कॉपी लेकर अगर बैठे तो नोट करते जाइए सारी चीज़ को, क्योंकि आपको इसी यही से पूछा जाता है और कहीं से पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से देख लीजिए सारे को, ठीक क्या है विरीति देख लीजिए, यहाँ से आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये कहाँ कहाँ से पढ़े थे। उसके बाद जो है लास्ट में जा करके वो एक प्रोफेसर भी बने थे, कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। इसका कहानी उसने कहा था मैं क्या लिखा है, ये काफी रोचक कहानी है, तो आपको बताने वाला हूं, पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका संपादक देखिए क्या क्या इन्होंने लिखा है, देखिए समालोचक, काशी नगरी, प्रचारिणी पत्रिका इन्होंने जो है संपादन किया था। उसके बाद रचनाएं देखिए, रचनाएं क्या है, कहानियां कौन सी कहानियां लिखी है, सुखमय जीवन 1911 में लिखा, उसके बौद्ध का काटा 1911 में लिखा, उसने कहा था 1915 में लिखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए उसका विद्या लिखा है, उसका इतिहास, पुरातत्व, भाषा, विज्ञान और सामाजिक विषय पर निबंध लेखन, कछुआ धर्म, उसके बाद क्या लिखा है, मॉरिस मोही, उसके बाद क्या लिखा है, कठों, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, उसके बाद डिंगल, उसके बाद संस्कृत का टिप्रारी, उसके ये सारे देखिए आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं, ये नोट करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को थोड़ा सा, ठीक है, ये देख लीजिए अच्छी तरीके से देखिए। और इसका रचनाएं हम लोगों ने देख लिया, अब यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में उसने कहा था मैं, उन्होंने क्या लिखा है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो उसने कहा था ये काफ़ी जो है बहुत बेहतरीन कहानी है, काफ़ी मज़ेदार कहानी है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए उसने कहा था जो शुरुआत हुई थी यह एक जो है यानी लव स्टोरी के साथ साथ जो है रोचक कहानी है, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो अपने मामा के यहाँ रहते थे, ठीक है, वहीं पर एक लड़की भी रहा करती थी, ठीक है। वो लड़की क्या करती थी कि वहाँ जो है साथ में मतलब उसी गांव में रहा करते थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जहाँ रहते थे। तो
वो रास्ते में जब मिलती तो उससे जो है हमेशा जो कुछ ना कुछ सवाल पूछती और उससे जो है पूछा करती थी, आपकी जो है कुरमय हुई है, कुरमय मतलब होता है कि शादी हुई है, ठीक है, कुरुमाई हो गई है। तो ये सारे सवाल करते थे, ये सारे सवाल करते करते जो है आगे में जा कर के जो है उन लोगों की जो ये सारी मजाक जो है ये आ कर के जो है एक स्टोरी बन गई थी, लव स्टोरी कहानी बन गई थी। और फिर जो है वो क्या किया था कि लहना सिंह, यानी लहना सिंह उसी को कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम जो है लहना सिंह ही था, ठीक है। तो लहना सिंह वो जा कर के जो बन चुका था, उसके बाद क्या किया कि वहाँ पर उन लोगों ने फिर आगे जा कर के जो है देश के लिए लड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। देश के लिए लड़ते 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 क्या क्या कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो है मृत्यु हो गई थी, ठीक है। फिर वो उसकी कहानी जो है यानी अधूरा हो गया था, जो लड़की से वो विवाह करने चाह रहा था तो उसका विवाह उससे नहीं हो पाई, क्योंकि वो जो है लड़ते लड़ते वो गंभीर हालत में मर गया था। तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोग को सवाल इस तरीके से आएगा आ जाएगा तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, उसने कहा था मैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो अच्छी तरीके से थोड़ा सा जूम करके देखेंगे बढ़िया से। चलिए तो यहां पर आ चुके, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उसने कहा था बुध का काटा रचना है। तो ये देखिए 2019 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नहीं आपने आप लोगों को पहले बता दिया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोगों को जवाब देते जाना है। अब यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है, यहां पर देखिए कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सती के प्रमुख लेखक थे। तो देखिए यहाँ पर है 15वीं सती, उसके बाद 16वीं सती, 19वीं या फिर 20वीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20वीं राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला आ चुके स्क्रीन में, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है। अभी अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था कहानी के बारे में, ठीक है, कितनी कहानियाँ लिखी है, तो राइट आंसर सी नंबर 3 कहानियां लिखी है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां पर आ चुके 4 नंबर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उसने कहा था कहानी का नायक है, उसने कहा था कहानी का नायक क्या है, कौन है, लहना सिंह है, बोधा सिंह या फिर वजीरा सिंह या फिर हजारा सिंह, तो राइट आंसर क्या होगा, लहना सिंह, लहना सिंह राइट आंसर हो जाएगा। यानी उसने कहा था किरदार में लहना सिंह का किरदार सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो है कहानी का नायक भी कहा जाता है उसको। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 4 नंबर, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, ये देखिए 2020 में पूछा गया है। देखिए सुखमय जीवन है, बौद्ध का काटा है, उसके बाद उसने कहा था, उसके बाद क्या है कि हारे का हरिनाम, तो राइट आंसर क्या जाएगा, हारे का हरिनाम राइट आंसर हो जाएगा। यानी निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, तो राइट आंसर डी नंबर हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो स्क्रीन में आ चुके 6 नंबर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उसने कहा था कहानी है, तो उसने कहा था कहानी कौन सी कहानी है, आप लोग यहां पर जवाब दे सकते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर का, तो 6 नंबर का यानी इनमें से सभी, यानी एक प्रेम कहानी, दिव्य प्रेम कहानी, युद्ध की कहानी है, क्योंकि ये युद्ध में लड़ते लड़ते जो है इसकी मौत हुई थी लहना सिंह की, यानी किसका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, तो इनमें से सभी हो जाएगा, प्रेम बलिदान होने की कहानी, यानी सभी इनमें से सभी मिक्स है, यानी ये सारे कहानी है, ठीक है। चलिए तो आप लोगों को एक सूचना मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग जो है अभी तक हमारे कोर्स में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आपको देखिए संडे के दिन जो ऑफ़र लगने वाली है, एक महा ऑफ़र है, जिसमें से अभी तो आपको सारे यानी पूरे कोर्स को ख़रीदने के लिए कितना लगेगा, 599 लगेगा, लेकिन हर दिन के यानी हर दिन तो 599 रहता है, लेकिन एक दिन क्या होती है 349, वो दिन संडे का दिन है, लेकिन आप लोग कल फटाफट बुक कर लीजिए कोर्स को, यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट का सारा चीज़ मिल जाएगा आप लोगों को, जैसे जैसे बता रहा हूँ, नोट्स, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो लेक्चर के साथ साथ सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, गेस पेपर, सारा चीज़ आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोग जल्दी जल्दी खरीद लीजिए, इसलिए खरीदने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए अगर आप
300 नंबर लेके आते हैं तो ये आपका नंबर ये समझिए कि फर्स्ट दिन होते हैं। लेकिन एक रिस्पॉन्सिव नंबर क्या होता है कि 400 प्लस एक रिस्पॉन्सिव नंबर होता है। अगर आप ये लाना चाहते हैं 400 प्लस मार्क्स तो आप हमारे कोर्स को परचेज कर लीजिए जिसका मात्र पूरे कोर्स का 350 रुपये है, ठीक है। और आप 350 रुपये को मत देखिए, यहाँ पर आप अपने नंबर को देखिए, रिस्पॉन्सिव नंबर को देखिए कि अगर आप मैं ज़्यादा नंबर लेकर आ रहा हूँ तो हमारे गाँव में समाज में कितना इज्जत बढ़ सकता है। ये सारे चीज़ जो है आपके मायने रखती है। सो इसलिए संडे कल है, आप लोग जल्दी जल्दी जो है कोर्स को परचेज कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो ये देखिए आपको 2019 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है आईए और आईएससी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अमृत शहर में राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। यानी उसने कहा था नहीं, अमृत शहर का ये कहानी है, चित्रण किया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 नंबर। तो अगर हमारे ऐप पर आते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको वीडियो इतने अच्छे से समझाया गया है, सभी सब्जेक्ट यानी चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिलेगी, जो वहाँ से अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत बेहतरीन समझ जाएंगे सारे चैप्टर को, हिंदी के, इंग्लिश के, उर्दू के, जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं आपके क्लास ट्वेल्थ के सारे सब्जेक्ट का जो है वहाँ पर समझाया गया है, वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यानी लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, तो यहां पर राइट आंसर क्या, मांझे, ठीक है। लहना सिंह का गांव का नाम क्या था, मांझे था। अब आगे देखें यहां पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर क्या कि लहना सिंह किस पद पर था, लहना सिंह जो था वो किस पद पर था, लहना सिंह किसका नाम है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का बचपन का नाम क्या था, तो लहना सिंह था, ठीक है। आप लोग बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं लहना सिंह था कौन, तो लहना सिंह चंद्रधर शर्मा गुलेरी को ही कहा गया है। सूबेदार था या फिर क्या था, लेफ्ट टीनेट था या फिर क्या है कि जमादार या फिर मेजर, तो राइट आंसर सी नंबर जमादार था, ठीक है। वैसे आप लोग डिस्कस मत कीजिए, बातचीत मत कीजिए, आप लोग जवाब देने की कोशिश करिए तेज़ी से, ओहो तो आंसर क्यों दिख रहा है भाई, दिख जाएगा तो जवाब जो चीटिंग करके देगा, और ऐसे आप अपने आप में जवाब दीजिए क्या कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, तो लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो किसके गोद में हुई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, किरत सिंह है, उसके बाद वजीरा सिंह है, उसके बाद क्या है कि अतर सिंह है, उसके बाद क्या है महीप सिंह, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी वजीरा सिंह राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए पलटन विदूषक कौन था, तो पलटन विदूषक जो था कौन था, यहाँ पर देखिए हजारा सिंह है, उसके बाद मुख्तार सिंह है, उसके बाद क्या है वजीरा सिंह या फिर कुलदीप सिंह, तो पलटन सिंह का विदूषक कौन था, वजीरा सिंह था, राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे देखते हैं आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही सही आ रहा, किसी किसी का गलत आ रहा है तो आप लोग सही कर लीजिए, कोशिश करके जवाब अच्छी तरीके से देख लीजिए। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, बोधा सिंह था या फिर क्या है कि महा सिंह था या फिर आपका किरत सिंह या फिर जगधारी सिंह, तो राइट आंसर क्या है ए नंबर, सूबेदार का क्या था, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय सिपाहियों के किसके साथ संघर्ष हुआ था, भारतीय सिपाहियों के साथ किसके साथ संघर्ष जो हुआ था, कौन है, जर्मन के साथ होगा, ओके जर्मन। आज के सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स तैयार किया हूँ जो आपको घर बैठे सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी, और आप तैयारी करने के लिए हमारा ऐप BBP हेल्प ऐप को डाउनलोड करिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, यहाँ से आपको PDF, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गैस पेपर, मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। साथ में हर 15 दिन में आपकी टेस्ट ली जाएगी, जिसमें जो टॉप करेगा उसको 50% पैसा वापस कर दी जाएगी, और आपको ये ऑफर ओनली फॉर संडे में मिलने वाली है, संडे के दिन जो अभी आए वो संडे में अगर आप परचेस करते हैं तो ओनली फॉर सभी सब्जेक्ट का 349 में कॉल्स मिल जाने वाली है, अगर आप अभी परचेस करना चाहते हैं तो 599 में अवेलेबल मिल जाएगा। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर यानी लहना सिंह राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं 15 नंबर, क्या बोला जा रहा है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, तो राइफल का जो राइफल था सिख राइफल, तो इसका लहना सिंह का नंबर क्या था, तो देखिए यहाँ पर 77 नंबर था, राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 16 नंबर, क्या बोला जा रहा है कि
सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी, यहाँ पर देखिए संजलपुर, उसके बाद है अलवारपुर, उसके बाद जलालपुर या फिर लायलपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ने लायलपुर। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी, तो लायलपुर में दी थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 17 नंबर। क्या बोला जा रहा है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था कहाँ, कब हुआ था, यहाँ पर होना चाहिए, तो देख लीजिए यहाँ पर कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर बी नंबर यहाँ पर आपको दिख चुका है, जयपुर राजस्थान में हुआ था। ओके, जो आप तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन किसकी रचना है, यहाँ पर देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसके बाद देवकी नंद खत्री, उसके बाद गोपाल राम, उसके बाद गहमरी, उसके बाद क्या है बालकृष्ण भट्ट। तो राइट आंसर यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। देखिए अब वीडियो आप देख रहे हैं, आपको क्या है कि यहाँ पर जो है देख रहे हैं, लेकिन आपका टाइम वेस्ट भी हो रहा है और आप जो है अच्छी तरीके से सभी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाएंगे। एक ही वीडियो को देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा सारे वीडियो को। अगर आप हमारे कोर्स को परचेज कर लेते तो वहाँ पर आप अपने मर्जी से और आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं। तो जल्दी जल्दी कर लीजिए, संडे कल आ रही है और आप जल्दी जल्दी कर लीजिए। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, तो उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुई, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 19 नंबर का। चलिए आप लोग अगर जानते हैं तो जवाब दे सकते हैं, फटाफट दीजिए। चलिए तो 19 का राइट आंसर सी नंबर नहीं, 1915 में हुआ था। ओके, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है, 25 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म जो है ये किसकी कृति है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप लोग जवाब देते हैं तो राइट आंसर सही दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या आ चुके, 21 नंबर। क्या बोला जा रहा है, पुरानी हिंदी रचना है? तो पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो राइट आंसर ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत जाता है कॉमन सेंस के साथ, डी नंबर हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखेंगे 22 नंबर। देखिए तो 22 नंबर स्क्रीन में क्या बोला जा रहा है, करेगी कौन सा निबंध गुलेरी जी की रचित नहीं है? कौन सा निबंध गुलेरी जी की रचित नहीं है? तो 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी मजदूरी और प्रेम। ठीक है, मजदूरी और प्रेम की कहानी नहीं है, यानी ओनली प्रेम है, लेकिन यहाँ पर प्रेम और जो क्या है संघर्ष वाली है। ठीक है, दिव्य प्रेम है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आ चुके, 23 नंबर। क्या बता रहे हैं, कुरमई का अर्थ क्या होता था? कुरमई यानी बार बार जो यही सवाल पूछती थी लड़की को, कौन लहना सिंह, उस लड़की को पूछती थी कि आपकी कुरमई हुआ था। कुरमई मतलब होता है कि विवाह, मंगनी यानी शादी। ठीक है, मंगनी हुई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, लहना सिंह बार बार पूछ रही थी कि आपकी कुर्मी हुई है, कुरमाई हुई है, तो बार बार जो है वो जवाब दे रही थी नहीं, मेरी कुरमाई नहीं हुई थी और भग करके भाग जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बोधा सिंह कौन था? तो बोधा सिंह देखिए हजारी सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, या फिर वजीरा सिंह का भाई, या फिर सूबेदार हजारी सिंह का बेटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूबेदार हजारी सिंह का बेटा था। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 नंबर स्क्रीन में आ चुके, क्या बोला जा रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी? तो 25 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी उसने कहा था। ठीक है, चलिए तो अगर आप लोगों को अच्छा मार्क्स से पास होना है और आपकी कम समय में अच्छा तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे कोर्स में जाकर खरीद लीजिए, जल्दी जल्दी जाकर के कोर्स को परचेज कर लीजिए। वहाँ से आप घर बैठे ये गारंटी है कि अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप वहाँ से 400 प्लस मार्क्स जो है लाने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है और आपको जो भी क्वेरी करना है तो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में नंबर दे चुका हूँ, वहाँ से आप लोग जो है मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या क्या मिलेगा, किस तरीके से जो आप वहाँ पर पढ़ाएंगे, वो सारा चीज़ मैं बता दूंगा आप लोगों को। उसके बाद कोर्स को परचेज कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 36 नंबर, आप यहाँ पर डायरेक्टली तो आ चुका आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आ चुका है तो हम लोग डायरेक्ट आंसर बता ही दे रहे हैं, क्या हो जाए डी नंबर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाए 27 नंबर। क्या हो जा रहा है, गुलेरी जी किस गाँव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी जो थे वो किस गांव के मूल निवासी थे? 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गुलेर क्या। ठीक है, गुलेर राइट आंसर क्या, मूल निवास हम लोगों ने अभी पढ़ा नीचे में, गुलेर के थे। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर आगे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं अगला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे, तो किस युग के कहानीकार थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर, द्वेंद्वी युग के कहानीकार थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, हम लोग यहाँ पर 30 नंबर को देखेंगे। क्या बोला जा रहा है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, कितने कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाता है, यानी 5 भागों में विभक्त है। ओके, अब आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 31 नंबर, क्या बोला जा रहा है, पर कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्री नंबर, यानी क्या, 7 जुलाई 1883 को हुआ था। ओके, हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में, बट यहाँ पर हम लोगों ने दोबारा रिपीट करा है, तो अच्छी बात है रिपीट करना हमारे लिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं है और एग्ज़ाम का भी कुछ टाइम बचे हुए हैं। ठीक है, देखिए, लैना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो इसका राइट आंसर क्या, डी नंबर, उसने कहा था। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है 33 नंबर, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, चरित्र प्रधान, उसके बाद कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या फिर भाव प्रधान, इसका राइट आंसर क्या, 33 नंबर का, 33 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कर्म प्रधान। ओके, चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पुरानी हिंदी किसकी रचना है, तो पुरानी हिंदी जो रचना है वो किसकी रचना है, तो राइट आंसर क्या, सी नंबर, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 35 नंबर, क्या बोला जा रहा है, किरत सिंह कौन था, किरत सिंह कौन था, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, किरत सिंह जो था राइट आंसर, यानी बी नंबर, लहना सिंह का भतीजा था, लहना सिंह का भतीजा कौन था, किरत सिंह। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 स्क्रीन में आ चुके, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था, तो कौन सा प्रश्न पूछता था, तो यहाँ पर देखिए, तेरी कुरमाई हो गई, तो ये बार बार जो है पूछा करता था लहना सिंह। ठीक है, और ये जब पूछ रहा था तो लड़की का उम्र कितना था, 7 साल, ओनली फॉर 7 साल का था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुकी है, देखिए क्या कि लप्टन साहेब सूबेदार को कितने आदमी खदक में छोड़कर जाने को कहा, तो यहाँ देखिए को कहता, तो कितने आदमी को, खंदक, एक खंदक में ना गड्ढा को खंदक कहा जाता है, तो खंदक में छोड़ जाने की बात कह रहा था, तो इसका राइट आंसर क्या, 10 आदमी को खंदक में छोड़ जाने की बात कह रहा था। वो इसलिए कह रहा था क्योंकि जब सिपाही मतलब उधर से यानी जर्मन के साथ जो है लड़ाई हो रही थी, तो जर्मन लोग क्या करते थे कि गोली चलाते थे, तो उसको गोली से बचने के लिए उन्होंने खंदक बनाकर जो है अपने सेफ्टी के लिए जो गड्ढा बना करके रखता था उसमें छिपने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं, क्या बोला जा रहा है, 38 नंबर, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, इसका राइट आंसर सी नंबर, यानी मामा थे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे अगला 39 नंबर, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो वजीरा सिंह को या फिर बोधा सिंह को या फिर किरत सिंह को या फिर अतर सिंह को, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, 39 नंबर का राइट आंसर जो हो जाता है हमारा, तो ए नंबर, यानी वजीरा सिंह को भेजता था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है 40 नंबर, सूबेदार का पत्नी क्या, सूबेदारनी। ठीक है, जैसे हम लोग किसी का पुलिस रहता तो पुलिस का पत्नी को हम लोग क्या करें, दरोगेन, और कुछ ऐसे जैसे कुछ बोलते हैं, उसी तरह सूबेदार का पत्नी सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लहना सिंह को कहा था, राइट आंसर बी, यानी लहना सिंह जो है, यानी जब सूबेदार और उसका जो पुत्र था, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा जो है यानी गंभीर हालत हो चुका था उसका, यानी बहुत ज़्यादा लोग क्या थे, सिपाही थे, लड़ाई करने वाले थे, यानी जर्मनी से लड़ाई करते करते क्या होगा, इन लोग गोली लग गया था, जिसकी वजह से जो है सूबेदारनी ने अपने पति और पत्नी यानी पुत्र का रक्षा करने के लिए लहना सिंह को बोला कि मेरे पुत्र और पति का रक्षा कीजिए। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 नंबर, क्या बोला जा रहा है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लाकर कौन बैठता था, देखिए
लैना सिंह का सिर अपनी गोद में लाकर कौन बैठा था? देखिए जल्दी, हजारा सिंह है, उसके बाद किरत सिंह है, उसके बाद वजीरा सिंह है, उसके बाद अतर सिंह है। तो इसका 41 नंबर का आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, सी नंबर यानी वजीरा सिंह हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 42 नंबर, लैना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो लैना सिंह के मामा जो कहाँ के रहने वाले थे, देखिए यहाँ पर जवाब दे, चंडीगढ़ है, उसके बाद अमृतसर है, उसके बाद लुधियाना है, उसके बाद जयपुर है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बी नंबर, अमृतसर के रहने वाले थे। आज के सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स तैयार किया हूँ, जो आपको घर बैठे सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। और आप तैयारी करने के लिए हमारा ऐप BBP हेल्प ऐप को डाउनलोड करिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। यहाँ से आपको PDF, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। साथ में हर 15 दिन में आपकी टेस्ट ली जाएगी, जिसमें जो टॉप करेगा उसको 50% पैसा वापस कर दी जाएगी। और आपको ये ऑफर ओनली फॉर संडे में मिलने वाली है, संडे के दिन जो अभी है वो संडे में अगर आप परचेस करते हैं तो ओनली फॉर सभी सब्जेक्ट का 349 में कोर्स मिल जाने वाली है। अगर आप अभी परचेस करना चाहते हैं तो 599 में अवेलेबल मिल जाएगा।